नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक फॉर रिटेल में एक और जानकारी के साथ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। तो आज एक खबर आ रही है कि रिलायंस जियो का आईपीओ आने वाला है अगले साल और शेयर बाजार में इसकी लिस्टिंग होगी, इसके शेयर प्राइसेस के भाव निश्चित किए जाएंगे और हम एज ए रिटेल इन्वेस्टर इसमें निवेश कर सकेंगे। तो ये वीडियो होने वाली है खास और इसमें हम जानकारी लेने वाले हैं कि क्या आने वाला है और कैसी इन्फॉर्मेशन रहेगी, इसके बारे में सारी जानकारी यहाँ पे आपको मिलेगी। वीडियो पूरा देखिएगा। इनिशियल पब्लिक ऑफर जो होता है आईपीओ, उसके बारे में एक वीडियो हमारे चैनल पर है, तो आप अगर आईपीओ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। तो देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छा मौका आने वाला है रिटेल निवेशकों के लिए, क्योंकि अगर एक तरह से हम देखें तो ये जो कंपनी है कॉम सेक्टर में लीडिंग कंपनी हो चुकी है और इसने एयरटेल को भी पीछे छोड़ दिया है कस्टमर बेस के टर्म्स में देखा जाए तो। और एक तरह से आने वाले समय में जो भारत सरकार 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाली, तो 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में अगर रिलायंस जियो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है और इसको अगर स्पेक्ट्रम में जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसको अगर शेयर मिलता है तो हमें 5G जो है पहले रिलायंस जियो की तरफ से देखने को मिलेगा। और जो भी पहले स्पेक्ट्रम ले जाता है इसको और जो भी कंपनी इसको पहले लॉन्च करती है भारत में, ऑब्वियसली उसका जो कस्टमर बेस वो बढ़ने वाला है और आने वाले समय में इसका बिजनेस जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। और देखा जाए तो रिलायंस जियो जो है वो जल्दी ही अपनी गीगा फाइबर सेवा शुरू करने वाली है भारत में और कस्टमर्स की जो संख्या है उसको भी बढ़ाने पे इसका जोर है। तो आने वाले समय में ऑब्वियसली जो है एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत ही उत्साहवर्धक है एक निवेशक के तौर पे देखा जाए तो। तो रिलायंस जियो की ओवरऑल अगर हम सेल्स पे बात करें तो हम देख सकते हैं कि 2018-19 में इसकी जो टोटल इनकम है वो 3000 करोड़ रुपये के आसपास पहुँच गई है, जो कि 723 करोड़ हुआ करती थी। और इसकी इनकम में एक तरह से देखा जाए तो 70% की वृद्धि हुई है और ये बहुत ही अच्छा है लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो। तो दोस्तों एक और प्लस पॉइंट है एज अ रिटेल निवेशक हम देखें तो ये कंपनी जो है ये मुकेश अंबानी की कंपनी वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के छाते में आती है और उसके अम्ब्रेला में एक तरह से हम कह सकते हैं आती है। ये अनिल धीरूभाई अंबानी के ग्रुप की कंपनी नहीं है, तो एक तरह से आप निश्चिंत होकर इसमें निवेश कर सकते हैं क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है एक तरह से मार्केट लीडर है अभी देखा जाए तो भारत में, और ये नेवर टू फेल कैटेगरी में आती है और इसमें आराम से आप निवेश कर सकते हैं। और जब भी इसका आईपीओ लिस्ट होता है और इसकी डिटेल्स आती है तो इसके बारे में भी हम एक वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों देखा जाए तो अभी पिछले कुछ महीनों में इनका जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं कंपनी के और बैंकर्स और कंसल्टेंट्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा बार मीटिंग्स हुई हैं और ये आईपीओ के इनिशिएटिव के बारे में ये बात कर रहे हैं। और ये जो है 2020 के बीच में कभी ये आईपीओ लाने के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं। तो अगर हम टोटल एंटरप्राइज वैल्यू की बात करें तो 4.5 लाख करोड़ के आसपास इसकी वैल्यू है ओवरऑल की रिलायंस जियो की। अगर हम देखें तो इसकी जो राइवलरी है एयरटेल के साथ, तो एयरटेल का अगर हम देखें तो करीब 1,80,000 करोड़ रुपये के आसपास उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो ये उसके कम से कम 2.5 गुना ज़्यादा है और आने वाले समय में ये और भी बढ़ने वाला है। हालाँकि जब भी आईपीओ लिस्ट होता है और इसके टोटल फाइनल डिटेल्स आती है तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इन्होंने फाइबर और टावर बिजनेस का डीमर्जर किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रिसेंटली देखा जाए तो, और कहा यह जा रहा है कि जो आईपीओ की लिस्टिंग होगी इन दोनों के डीमर्जर का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही हो। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी मैंने सोचा आप लोगों के लिए लाई जाए और इसको एक तरह से हम इसका समरी बना लेते हैं और देखते हैं कि क्या होने वाला है। तो एक तरह से देखें तो क्वार्टर टू क्वार्टर अगर इनका परफॉर्मेंस हम देखें तो इनकी प्रॉफिट जो है वो 65% से ऊपर जाई है इस क्वार्टर में और प्रॉफिटेबल क्वार्टर रहा है इनका छठा स्ट्रेट अगर हम बात करें तो प्रॉफिटेबल क्वार्टर रहा है। और वहीं पे ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो है इनका 56% से ऊपर गया, वो देखा जाए तो 11,106 करोड़ के आसपास हुआ है और इनके पास देखा जाए तो मार्केट शेयर जो है 31% के करीब इनके पास मार्केट शेयर है। तो दोस्तों इस छोटी सी वीडियो में ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए। जब भी इसकी आईपीओ की लिस्टिंग होती है तो हम उस समय पे और अधिक जानकारी लाएंगे इसके बारे में। तो वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।